पश्चिम बंगाल चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनावी रण में उतर चुकी हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव में वो कौन से फैक्टर हैं जो चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल को फतह करने पर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हो गई है। यहां पर 8 फेज में चुनाव होगा। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। 2016 के चुनाव में 3 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार टीएमसी के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी नजर आ रही है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने विजय पताका फहराते हुए 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जो सिर्फ 44 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पश्चिम बंगाल में पहली बार जाति का फैक्टर सामने आया है। एक तरफ जहां मतुआ समुदाय बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, वहीं आदिवासी और कुर्मी समाज पर भी लोगों की नजरें हैं। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर नदिया और उत्तर 24 परगना जिले में लगभग 1.5 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। इस बार दोनों ही पार्टियां इस समुदाय का वोट लेने की कोशिश में हैं। वहीं जंग महल के जिलों में आदिवासी और कुर्मी समाज का वोट भी बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी बंगाल की तमाम जातियों को साधने की कवायद में है। इसी कड़ी में मतुआ समुदाय, जो बंगाल में अनुसूचित जनजाति की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे जोड़ने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। बीजेपी नेता मतुआ समुदाय के लोगों के घरों में जाकर भोजन कर रही है और उन्हें CAA कानून के तहत भारत की नागरिकता दिलाने का वादा भी कर रही है। मतुआ समुदाय का बंगाल की 81 विधानसभा सीटों पर असर है, जिनमें नदिया इलाके की 17 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर व दक्षिण 24 परगना में 64 सीटें हैं। उत्तर 24 परगना इलाके में बीजेपी का चेहरा टीएमसी से आए दिग्गज नेता मुकुल रॉय हैं, तो दक्षिण 24 परगना में शांतनु ठाकुर और टीएमसी से आए शुभेंदु अधिकारी कमान संभाले हैं। साल 2016 के चुनाव में इन दोनों इलाकों में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी एक बड़ी चुनौती बन गई। यही वजह है कि ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के वोटों को लेकर इस बार पहले की तरह कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। हालांकि ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए तमाम जतन कर रही है। इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा भी प्रमुख रूप से सामने आया। इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी इसका फायदा उठाती दिख रही हैं। वे बीजेपी के नेताओं को बाहरी बता रही हैं। दूसरी तरफ इसके जवाब में बीजेपी बंगाल के महानायकों को अपने से जोड़कर दिखाने की कोशिश में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की बेटी के नारे के साथ पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है कि टीएमसी ने इस नारे के साथ स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर बहस को और ज्यादा बढ़ाया है। इस नए नारे के साथ ममता बनर्जी के फोटो वाले होर्डिंग पूरे कोलकाता में लगाए गए हैं। टीएमसी ने ईएम बाईपास के पास स्थित अपने मुख्यालय से आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार चुनावी हिंसा भी एक बड़ा फैक्टर है। बताया जा रहा है कि बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र होने की वजह से भी इस बार 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी चाहती थी कि चुनाव कई चरणों में हो, ताकि चुनाव में हिंसा को रोका जा सके, बिना भय माहौल में वोटर मतदान कर सके। चुनाव आयोग के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव को हिंसा मुक्त रखा जाए। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव हुआ था, उस वक्त भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था, और इस बार भी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत 70 के दशक में हुई, जब CPM उभर रही थी। फिर वो दौर भी आया जब 90 के दशक के अंतिम वर्षों में तृणमूल ने CPM को चुनौती दी थी। बदला नहीं बदल चाहिए, यानी कि बदला नहीं परिवर्तन चाहिए का नारा देकर ममता बनर्जी ने 2011 में राज्य की सत्ता में आई थी। समय बीतने के साथ ममता बनर्जी ने CPM के उन नेताओं और कैडर को अपने साथ जोड़ लिया, जो लेफ्ट के जमाने में चुनावी मशीनरी को कंट्रोल करते थे। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी पर उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल करने के आरोप लगे, जिनके खिलाफ वो लेफ्ट से लड़ती रही। 2019 के लोकसभा चुनावों में जहां देश भर से चुनावी हिंसा की छिटपुट खबरें आईं, वहीं बंगाल में हिंसा की खबरें सुर्खियों में रहीं। ये ममता बनर्जी के बंगाल में हो रहा था, जो बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने का विरोध कर रही थीं।
आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। लेकिन अब जनता को तय करना है कि किसको सिंहासन पर बिठाना है और किसको विपक्ष में। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।